कई सालों बाद ऐसा मौका आया है जब पूरा लालू यादव परिवार नवरात्रि के मौके पर पटना में था और पूरे भक्ति भाव से मां की आराधना करता नजर आया। शरादीय नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी पर लालू यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य और पत्नी राबड़ी देवी संग हवन कर कन्या पूजन किया। लालू यादव के घर कन्या पूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि कन्या पूजन में लालू की पोती कात्यायनी को घर भर का भरपूर प्यार मिला। नवमी पर परिवार संग हवन पूजा करते हुए लालू यादव ने कहा, नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर आज आवास स्थित दुर्गा मंदिर में सब परिवार कन्या पूजन किया। प्रत्येक लड़की देवी तुल्य है तथा कन्या पूजन के साथ हमें उनका और उनकी दिव्य ऊर्जा तथा सहन शक्ति का जश्न मनाना चाहिए। नवरात्रि में सभी को संकल्प लेना चाहिए कि वो माँ, बहन और बेटियों को गालियाँ देना बंद करेंगे। यही असल नवरात्र तथा माता का पूजन एवं भक्ति है। नवमी की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही लालू यादव ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें उनकी पोती कात्यायनी हवन करते दादा की गोद में जाने के लिए बेताब नजर आ रही है। दादा की दुलारी और पापा की प्यारी कात्यायनी की कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लिखा, शरादीय नवरात्रि की महानवी के पावन अवसर पर कन्या पूजन के दौरान तेजस्वी यादव ने जो तस्वीरें शेयर की उनमें एक तस्वीर में वो बेटी को गोद में लेकर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री बेटी कात्यायनी को गोद में लेकर माता के मंदिर में खड़ी नजर आ रही है। इसके साथ ही एक तस्वीर में दादी राबड़ी पोती कात्यायनी के गाल पर प्यार से किस देते हुए उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही है। लालू परिवार की नवरात्रि पूजन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं।